पेनिट्रेट किया वहां जंगल एरिया के अंदर, ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वॉज किल्ड देयर। एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई। एंड वेदर बड़ा खराब था इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं। एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, 1 टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्वज है टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्वज है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। देखिए ये इनका टेररिस्ट का ये एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये बुरे मौसम का लहजा लेते हैं। एंड आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हमारे बहुत बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा खराब था, तो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की है इन्होंने। एंड जब भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की फौज जो वहां पूछते रहती है वो मुलविज रहती है इनकी सपोर्ट के दौरान। एंड इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से वो तीसरे टेररिस्ट को उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट करने में कोशिश मदद की, ये पाकिस्तान फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मुलविज करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड ये पूरा ऑपरेशन जॉइंटली कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। इस ऑपरेशन के अंदर जब ये कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एसओजीज भी एक्शन में आई, उन्होंने भी वहां पे आके हमारे साथ कॉर्डन में पार्टिसिपेट किया। और ये पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी इंटेलिजेंस थी, फौज की इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट्स और जम्मू एंड कश्मीर की इंटेलिजेंस इनपुट्स। इसके अंदर 2 AK-47, एक AK-47, एक AK-74, 7 मैगजीन्स, कुछ एमुनेशन है और 1 चाइनीज पिस्टल, कुछ राउंड एंड कुछ ग्रेनेड्स भी हैं इसके अंदर, कुछ पाकिस्तान करेंसी भी है एंड सम इंडियन करेंसी। उसकी डिटेल्स हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके अंदर 5 किलोग्राम्स की आईडी रिकवर की गई है और हमारा अनुमान है कि ये आईडी के साथ वो किसी सेंसिटिव टारगेट, यानी कि कोई माइनॉरिटी पॉकेट्स या कोई भी हमारे इस एरिया में जो सेंसिटिव टारगेट है उसके साथ ही इस बड़े आईडी को यूज करना चाहते थे। थैंक यू। तो आप सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर इस बात की जानकारी दी गई है कि 3 आतंकी जो मारे गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। घाटी में जिस तरीके से अनंतनाग में और बारामूला में आतंक फैलाने की कोशिश की गई, अशांति फैलाने की कोशिश की गई, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि जो 3 आतंकी मारे गए हैं वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन अब भी लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से लगातार सेना मोर्चा संभाल रही है और ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ये जानकारी दी गई है कि सर्च ऑपरेशन अनंतनाग में अब भी जारी है, लेकिन बारामूला में जो एनकाउंटर चल रहा था वो खत्म हो गया है, इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर दी गई है। साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के ये भी बताया गया कि एक AK-47, एक AK-74 और साथ साथ मैगजीन्स काफी बरामद हुई हैं, पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि 5 किलो IED भी बरामद की गई है, जिसका साफ मतलब यह है कि घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश पाकिस्तान की ओर से रची गई है, जिससे हमारे सुरक्षा बलों ने
नाकामयाब कर दिया है। हमारे सुरक्षा बलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 3 आतंकवादियों को न सिर्फ घेरा बल्कि उन्हें मार गिराया, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उन्हें उनके बिलों से बाहर निकालकर एक दर्दनाक मौत दी है। आपको बताएं, अनंतनाग पीर पंजाल का मुहाना माना जाता है और ऐसे में पीर पंजाल की घनी घाटियां हो, रामबन का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो या डोडा का इलाका, ये बड़े ही चैलेंजिंग एरियाज हैं। और चैलेंजिंग एरियाज दरअसल इसलिए हैं क्योंकि चारों तरफ एक तो पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, साथ साथ ऊंचे घने जंगल हैं, घनी झाड़ियां हैं और यही वजह है कि ट्रेडिशनल तौर पर आतंकी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, घाटी में आतंक फैलाने के लिए। और ऐसे में ये चैलेंजिंग टास्क जो था वो सुरक्षा बलों की ओर से बखूबी निभाया गया और साथ साथ न सिर्फ आतंकियों को घेरा गया बल्कि उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, उन्हें मार गिराया गया। तो ये बड़ा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर है, लेकिन ये बड़ी अपडेट कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी नाकामयाब चाल चली क्योंकि ये 3 आतंकी जो मारे गए हैं वो पाकिस्तानी थे।